तो फ्रेंड्स, इस समय मैं आ गया हूँ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में, और अभी मैं जो हूँ यहाँ है डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन, और अब मुझे जाना है वो पीछे, वो जो पीछे का एरिया है वो देख रहे हैं, वही है बम्लेश्वर मंदिर। तो चलिए सफर तय करते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं बम्लेश्वरी देवी मंदिर के मेन गेट के पास, और ये डोंगरगढ़ का मेन रोड है। चलिए दिखा दूँ, ये है यहाँ का मेन गेट। अब इस गेट के द्वारा आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब मैं यहाँ अंदर घुस के राइट की ओर ले जाऊँगा कुछ देर के लिए, ताकि मैं कुछ विशेष जानकारी को आपको दे सकूँ। तो ये है, जब मैं राइट में आया तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ रोप वे बना हुआ है। यदि आप मंदिर में सीढ़ियों के द्वारा नहीं चढ़ सकते हैं तो आप इस रोप वे का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ रोप वे के पास इसका प्राइस भी दिया गया है। यहाँ कुछ सूचनाएं हैं कि आप किस तरह से रोप वे का यूज़ करें, और यहाँ देख सकते हैं भीड़ भी लगी हुई है यहाँ। और ये जस्ट बगल में ही है एक तालाब, जिसे क्षीर पानी तालाब कहते हैं, और यहाँ आपके लिए बोटिंग की भी एक खास सुविधा की गई है। यहाँ आप बोटिंग भी कर सकते हैं। जब आप बोटिंग करेंगे तो इस पानी में मछली भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ शेड लगा हुआ है, और ये शेड ना काफ़ी बड़ा है, और जब यहाँ प्रोग्राम होते हैं तो यहाँ हज़ारों श्रद्धालु यहाँ मौजूद रहते हैं। तो यहाँ मैं अब अपने दोस्तों के पास पहुँच गया हूँ। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी मंदिर पर चढ़ाई करूँगा, यहाँ से पहला सीढ़ी स्टार्ट होता है। मैं आपको यह जानकारी दे दूँ कि अब हमें यहाँ से लगभग 1100 सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, उसके बाद हम बम्लेश्वरी देवी मंदिर में पहुँचेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे फ्रेंड्स जो हैं आगे आगे जा रहे हैं, और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। चलिए कुछ देर पहुँच गए ऊपर में, और फिर मैं दिखा दूँ हम किस तरह से आए हैं नीचे से। और ख़ासकर मुझे यहाँ की ये बातें बहुत अच्छी लगी, यहाँ के जो सीढ़ी हैं वो काफ़ी चौड़े बनाए गए हैं, और ये सच में आप एक ही बार में कई लोग जा और आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, और आप भी बम्लेश्वरी देवी मंदिर का दर्शन करें। मैं आपको फिर बता दूं कि बम्लेश्वर देवी मंदिर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले में डोंगरगढ़ में स्थित है, जो कि पहाड़ के ऊपर 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो अभी मैं कुछ ही दूरी पर आया हूं, और काफ़ी गर्मी लग रही है मुझे, और मेरा सफ़र अभी बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। मेरे दोस्त मुझे छोड़कर चल लगे हैं, और मुझे आगे की ओर बढ़ना है उधर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सच बोलूँ तो काफ़ी ऊँचाइयों पर है, और मैं बहुत ज़्यादा सीढ़ी तो अब चढ़ चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा बाकी भी है। आधा ही सफ़र तय हुआ लग रहा है, और अभी पूरा आधा सफ़र बाकी है। चलिए पूरा करते हैं। यहाँ क्वार मास की नवरात्रि और चैत्र मास की नवरात्रि को यहाँ दर्शन के लिए भारी भीड़ एकत्रित होती है। मुझे एक चीज़ काफ़ी यहाँ पसंद आया, और वो ये कि यहाँ के जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी चौड़े चौड़े हैं। यहाँ देखिए, जाने के लिए अलग हैं, आने के लिए अलग हैं, काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो ये कुछ स्टॉपेज की तरह जहाँ आप आराम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुँच गया हूँ बीच में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉपेज है। जब आप ऊपर चढ़ोगे तो छोटे छोटे स्टॉपेज भी बनाए गए हैं कि आप वहाँ रुक सकते हो और थोड़ा सा आराम कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। तो अभी तक मेरा सफ़र पूरा तय नहीं हुआ है, अभी और भी आगे उधर जाने बाकी है। मैं तो यहाँ थोड़ा सा इंतजार कर लिया, थोड़ा सा आराम कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान डोंगरगढ़ की मां बम्लेश्वरी का इतिहास काफ़ी पुराना है। वैसे तो साल भर यहां भक्तों का रेला लगा रहता है। छत्तीसगढ़ में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र पुरातन कामाख्या नगरी है। पहाड़ों से घिरे होने के कारण इसे पहले डोंगरी और अब डोंगरगढ़ ग्राम से जाना जाता है। बम्लेश्वरी देवी का मंदिर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। हज़ार से ज़्यादा सीढ़ी चढ़कर भी यहाँ माँ के दर्शन के लिए देश देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और हमें वहाँ ऊपर जाना है, देखते हैं ऊपर के एरिया में। तो चलिए, सीढ़ी बहुत बचा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। आप जो देख सकते हैं बीच में जो खूंटे लगे हुए हैं वे उनके लिए हैं जो सीढ़ी पर जल्दी चढ़ नहीं पाते हैं, तो इसका सहारा लेकर वो चढ़ें। तो मैं आगे आ गया हूँ, फिर एक यहाँ मंदिर मिला है मुझे छोटा सा, यहाँ भी लोग हैं,
माँ बम्लेश्वरी को मध्य प्रदेश के उज्जैनी के प्रतापी राजा विक्रमादित्य की कुल देवी भी कहा जाता है। फिर से मैं अब आगे बढ़ने लगा हूँ और यहाँ देख सकते हैं, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव कर रही हैं और इतना मतलब डेवलप किया गया इस एरिया को मैं बता नहीं सकता। श्रद्धालु बरसात से और धूप से बचने के लिए यहाँ आराम करते हैं। तो चलिए अब मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, अभी भी सफ़र काफ़ी बाकी है। माँ बम्लेश्वरी मंदिर के इतिहास को लेकर कोई स्पष्ट तथ्य तो मौजूद नहीं है, लेकिन मंदिर के इतिहास को लेकर जो पुस्तकें और दस्तावेज सामने आए हैं उसके मुताबिक डोंगरगढ़ का इतिहास मध्य प्रदेश के उज्जैन से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, अब मैं पहुंच गया हूं पहाड़ की ऊंचाइयों पर जहां लास्ट स्टॉपेज है, यहां भी आप आराम कर सकते हैं और यहां से एक रास्ते के द्वारा हमें ऊपर भी जाना है। ये एरिया देख सकते हैं जहां श्रद्धालु रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। अभी भी देख सकते हैं यहाँ बहुत श्रद्धालु मौजूद हैं और लोग यहाँ इस मंदिर को देखने के लिए भी दूर दूर से आते हैं। मंदिर जाने का मार्ग आप देख सकते हैं, इसमें हमें जाना है आगे। तो यहाँ है जूते चप्पल रखने का अंतिम स्थान, यहाँ तक आप चप्पल पहन के आ सकते हैं यदि आपने पहले चप्पल नहीं उतारा है तो, लेकिन अब यहाँ उतारना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम चल रहे हैं आगे की ओर। माँ बम्लेश्वरी देवी शक्तिपीठ का इतिहास लगभग 2200 वर्ष पुराना है। डोंगरगढ़ से प्राप्त भग्रावशेषों से प्राचीन कामावती नगरी होने के प्रमाण मिले हैं। पूर्व में डोंगरगढ़ ही वैभवशाली कामाख्या नगरी कहलाती थी। जब मैं कुछ देर आ गया तो देखा कि जो चट्टान के ऊपर भी एक पत्थर रखा हुआ है और उसके नीचे हमें जाना है। ये तो काफ़ी अलग एहसास हो रहा है मुझे। यहाँ भी मंदिर हैं, देख सकते हैं। जब आप मेन मंदिर तक पहुँचेंगे उससे पहले भी आपके लिए और भी मंदिर हैं जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। मंदिर का पट सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। रविवार को सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर लगातार खुला रहता है और नवरात्रि के मौके पर मंदिर का पट 2400 घंटा खुला रहता है। तो दोस्तों, जैसे और भी मैं जब आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जिसके मैं कोई टास्क को पूरा कर रहा हूँ और मुझे नया टास्क मिल रहा है, एकदम नए नए चीज़ देखने को मिल रहा है। नीचे से ऐसा नहीं लगता कि ये इतना खूबसूरत होगा और इतना एक रोमांस से भरा हुआ होगा जब आप मंदिर जाएंगे तो, लेकिन मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम बिलीव नहीं होने वाला जैसा महसूस मुझे आ रही है क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। यदि आप भी फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा। तो हमें लगता है कि आप और मैं दोनों मिलकर 1100 सीढ़ियाँ कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये है वो एरिया जहाँ श्रद्धालु आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और अपने मन्नतों को मांगते हैं। मैं इस जगह को भी मैं दिखाऊंगा अच्छे से पूरे घूमकर कि लोग किस तरह से, श्रद्धालु लोग जो हैं किस तरह से यहाँ आते हैं और किस तरह यहाँ भीड़ होती है आप देख सकते हैं। अभी यहाँ कोई नवरात्रि नहीं चल रही है फिर भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। यहाँ डेली कई हज़ार लोग आते हैं, त्यौहार हो चाहे ना हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से श्रद्धालु एक आस्था को लेकर आए हुए हैं और अपने मन्नतों को मांगने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप भी यहाँ आ सकते हैं, अपने मन्नतों को यहाँ मांग सकते हैं और कहा जाता है कि यहाँ जो मन्नतें मांगती हैं वो पूरी भी हो जाती हैं। चलिए मैं कुछ और भी चीज़ों को दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं एक चीज़ नोटिस किया, बहुत अच्छा कतारबद्ध यहाँ लगे हुए हैं श्रद्धालु, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और सभी को मौका मिलता है पूजा करने का। तो आप कांच के द्वारा भी अंदर के जो मूर्तिकला हैं उनको भी आप देख सकते हैं और यहाँ से पूजा कर सकते हैं। और श्रद्धालुगण इस एरिया को चारों तरफ से घूम रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं इस एरिया से भी पूजा की जाती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ पसका, लेकिन फिर भी मैं यहाँ के श्रद्धालुओं को देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा तरीके से वो यहाँ के नियमों का पालन कर रहे हैं और एक आस्था का बहुत ही अच्छा प्रतीक को निभा रहे हैं। तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं आया और काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहा कि मैं आप सबों को भी दिखाऊं जो इस जगह पर नहीं आए हैं। लेकिन अब तक आपने मेरा सहायता किया, साथ दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत चीज़ देखने को मिली होंगी। इस मंदिर के ऊपर से आप डोंगरगढ़ शहर का पूरा दृश्य भी देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ मंदिर में आने के साथ साथ आपको इस शहर का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, मेरा सफ़र यहीं ख़त्म होता है और अब मैं जा रहा हूँ वापस नीचे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये सफ़र कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए।
और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँ, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।